हे फ्रेंड्स, वेलकम हियर। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे और तरक्की कर रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है कि आपके पार्टनर्स अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके माइंड में क्या चल रहा है, उनके हार्ट में, उनके दिल में क्या चल रहा है, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है एंड आपके लिए डिवाइन की गाइडेंस क्या है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखेंगे रेजोनेट करेगी। जनरल है, सभी साइंस के लिए है, तो जितनी रेजोनेट करे उतनी रखें एंड बाकी को जाने दें। विदाउट मी वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं रीडिंग की ओर। ये हमारा ओशो जेन है डेक। हम चेक करते हैं आपके पार्टनर्स आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। बहुत ही सॉलिड कार्ड आया है इंटीग्रेशन का। आप में से कई लोग स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो सकते हैं, कुछ लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, मैक्सिमम लोग सोलमेट्स हो सकते हैं, किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हो सकते हैं। आपके पार्टनर्स इस टाइम आपके साथ रीयूनियन चाहते हैं, रिकंसिलेशन चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं, एक हो जाना चाहते हैं, यूनाइट हो जाना चाहते हैं। एक और कार्ड हम निकालते हैं कि उनके मन में ये चल रहा है, वो फील क्या कर रहे हैं। नथिंगनेस। मैं ये देख पा रही हूँ आप में से कई लोग सेपरेशन जोन में हैं या बहुत ही लेस कॉन्टैक्ट जोन में हैं और आपके पार्टनर्स को आपके बिना लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। वो आपके साथ ही कंप्लीट फील करते हैं और आपके बिना ऐसा फील करते हैं कि जैसे उनके लाइफ में कुछ नहीं बचा और कुछ बेहतर हो ही नहीं सकता, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। जस्ट लाइक कि महफिलें आपके बिना तन्हा हैं। अगर अकेले आप उनके साथ हो तो एवरीथिंग उनके पास है, अगर आप उनके पास नहीं हो तो उनके पास नथिंग है, कुछ भी नहीं है। तो उनको ये रियलाइज़ हो चुका है कि आपके बिना उनके लाइफ में कुछ भी नहीं है और अब वो आपसे इंटीग्रेशन, रीयूनियन, रिकंसिलेशन या मैरिज करना चाहते हैं और आपके लाइफ में दोबारा एंटर होना चाहते हैं, सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। एक और कार्ड निकालते हैं और अच्छे से एक्सप्लेन होगा। बर्डन। मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके बिना उन्हें लाइफ में ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ सूना सूना है, बहुत ज़्यादा बोर लगता है, कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं लगता है। उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ बोझ सा बन गया है और जस्ट लाइक उनकी लाइफ भी एक बोझ बन गई है। होता है जब हम किसी से लव करते हैं, उनके बिना हमें रहना पड़ता है, तो ऐसा लगता है अक्सर कि लाइफ एक बोझ बन गई है और अब हम इस बोझ को झेले जा रहे हैं। दैट मीन्स जिंदगी जी नहीं रहे हैं, जिंदगी को झेल रहे हैं, ऐसी वाली फीलिंग्स हैं। ठीक है, तो अब आपके पार्टनर्स, ये सिक्स ऑफ सोर्ट्स का कार्ड भी होता है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जीज हैं। अगर आप जोडियक पूछना चाहते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो है, एरीज, लियो है यहाँ पर और टॉरस और कैप्रिकॉन है यहाँ पर। आप हो सकता है इन जोड़ियों से डील कर रहे हो, आपके पार्टनर्स डील कर रहे हो। आपके पार्टनर्स ना अब आपके साथ रिकंसिलेशन चाहते हैं बिकॉज आपके बिना उनकी लाइफ में कुछ भी नहीं बचा, जिंदगी एकदम बोझल हो गई है, बुरी हो गई है और अब वो इंटीग्रेशन चाहते हैं, रियूनियन चाहते हैं। वन मोर कार्ड, टोटालिटी। अगर आप दोनों के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था या आपकी फैमिलीज के बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुए थे, कुछ मनमुटाव हुए थे, तो अब आपके पार्टनर्स वो सब ठीक करना चाहते हैं, फैमिली को मनाना चाहते हैं, अपनी फैमिली से बात करना चाहते हैं, आपकी फैमिली से बात करना चाहते हैं, फैमिली को साथ में बिठा कर रिकंसिलेशन करना चाहते हैं, कोई समझौता करना चाहते हैं और कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि जो भी झगड़े थे उनको ओवर कर देना चाहते हैं। लास्ट कार्ड, मोरालिटी। अगर कभी उन्होंने बहुत बदतमीजी से बात करी थी, आपकी वैल्यू नहीं की थी, आपकी कदर नहीं की थी, उन्हें लगा था कि जैसे आप उनके लाइफ में हो तो मतलब ग्रांटेड लिया था और सोचा था कि यार मैं जो भी बोलूँगा या जो भी बोलूँगी तो डजंट मैटर, आप कहीं नहीं जाओगे, लेकिन सेपरेशन हो गया है तो अब आपके पार्टनर्स आपके साथ एक मैनरेबल वे से इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, विद फैमिली आगे बढ़ना चाहते हैं। एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, अगेन एनर्जीज आई हैं, आपसे रिकंसिलेशन करना चाहते हैं, आपके साथ सारी चीज़ें दोबारा से फिक्स करना चाहते हैं। ठीक है, ये जो सिनारियो मैक्सिमम दिखाई दे रहा है, नो कॉन्टैक्ट जोन वाला दिखाई दे रहा है, जिनका सेपरेशन फैमिली की वजह से हुआ ऐसा भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। ओम साई राम। बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड है, जजमेंट का कार्ड इसको बोलते हैं। तो नेक्स्ट एक्शन में आप दोनों के रिश्ते की एक नई शुरुआत हो सकती है, डिवाइन की ब्लेसिंग्स मिल सकती हैं,
थर्ड आई यहाँ पे मुझे ये दिखाती है कि इन पर्सन के जो मन के भाव हैं या फिर जो ये सोच रहे हैं उनको प्रैक्टिकली ये अपने जीवन में उतार पाएंगे, आपके साथ रिकन्सिलेशन कर पाएंगे, अपनी फैमिली को मना पाएंगे, आपसे दोबारा बात कर पाएंगे, इस रिश्ते की नई शुरुआत कर पाएंगे एंड डेफिनेटली आपका रिश्ता रियूनियन की तरफ जाएगा। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आया है डिवाइन की, आपको जजमेंट मिल रही है। वन मोर कार्ड इंटेंसिटी, ये अपने आप को आपकी तरफ बढ़ने से रोक ही नहीं पाएंगे और अब इनको आपकी तरफ बढ़ने से और कोई नहीं रोक सकता, इनको आपकी तरफ बढ़ना है। ये फिजिकली, मेंटली, इमोशनली तीनों वे से आपको बहुत ज़्यादा हद वाला मिस कर रहे हैं, इनको आपकी बहुत क्रेविंग हो रही है और इनको लगता है कि अब हर हाल में इन्हें सिर्फ और सिर्फ आप चाहिए। तो डेफिनेटली आपको कॉल, टेक्स्ट, मैसेज कर सकते हैं विद इन अ मंथ या फिर विद इन सम डेज, फ्यू डेज एंड ये पर्सन इस रिश्ते की एक नई शुरुआत कर सकते हैं, फैमिली को मना सकते हैं, इस रिश्ते में रियूनियन कर सकते हैं। वन मोर कार्ड फॉर नेक्स्ट मूव, ओम साई राम। वी आर द वर्ल्ड, जहाँ पे फैमिली राजी है, ये राजी हैं, इन्जॉय है, सेलिब्रेशन है, रियूनियन है, रिकन्सिलेशन है, एक साथ सेलिब्रेट करते हुए वेडिंग है, मैरिज है, अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस है और एक रफ टफ एंड ओल्ड साइकिल ख़त्म होकर इस रिश्ते की एक नई शुरुआत हो रही है और सब बहुत खुश हैं और इन्जॉय कर रहे हैं, हैप्पी हैं, एंटरटेन कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, रोमांस कर रहे हैं, अमेजिंग अमेजिंग फैबुलस, कॉन्ग्रेचुलेशंस इन एडवांस। अगर आपके साथ कुछ ऐसा होता है प्लीज़ मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स, बिकॉज कार्ड्स आए हैं तो किसी ना किसी के लिए तो आए हैं, उनके साथ ऐसा होने वाला है विद इन अ मंथ। अब हम लोग चेक करने वाले हैं कि आपको क्या करना चाहिए सो दैट ये सब जल्दी से हो जाए। ब्रेक थ्रू, आपको भी हिम्मत दिखानी है, आपको भी हिम्मत दिखानी है और जो थोड़ी बहुत नेगेटिविटी रह जाए, जो आपके पार्टनर से रिमूव ना हो पाए, उसको रिमूव करने की आपको हिम्मत दिखानी है, आपको हिम्मत नहीं हारनी है। ये रीडिंग उन लोगों के लिए नहीं है जो गिव अप कर चुके हैं, जिनको पता है कि उनके पार्टनर्स उनके लाइफ में कभी नहीं आ सकते। ये रीडिंग उनके लिए है जिनको पता है कि उनके पार्टनर सारी सिचुएशन से लड़कर, फाइट कर ब्रेक थ्रू करके आगे बढ़ सकते हैं और वो रेडी हैं और उन्होंने अभी तक गिव अप नहीं किया है। एंड आपको भी गिव अप नहीं करना है एडवेंचर, दोनों ही कार्ड्स ये बता रहे हैं कि अभी भी आपको एडवेंचर की, करेज की, साहस की काफ़ी ज़्यादा नीड होने वाली है। ऐसा नहीं है कि एवरीथिंग आपके फेवर में होगा, जब ये आएंगे भी तो हो सकता है कुछ चीज़ें आपके अनफेवर में भी हों, बट आपको बने रहना है, सॉलिड रहना है, गिव अप नहीं करना है, स्ट्रांग रहना है, बोल्ड रहना है। दोनों ही कार्ड्स बता रहे हैं कि आपको बोल्ड रहना है और कोई भी डिसीज़न जल्दबाजी पे नहीं लेना है, पहले उनकी बात सुननी है, समझनी है, आराम से डिसाइड करना है, अपनी फैमिली से बात करनी है और विद टाइम आफ्टर फ्यू मंथ्स, आफ्टर फ्यू वीक्स किसी डिसीज़न को लें एंड इस रिश्ते में आगे बढ़े। तो ये थी गाइस आप लोगों के लिए रीडिंग, ब्यूटीफुल सी, प्यारी सी रीडिंग। कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको इस तरह की रीडिंग्स पसंद है लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें। फॉर पर्सनल रीडिंग, पर्सनल रीडिंग्स की फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल हैं। राखी पे एक स्पेशल ऑफर था, 600 में 3 क्वेश्चंस थे जिसको मैंने 3 डेज़ के लिए और इंक्रीज़ कर दिया है, बिकॉज बहुत सारे लोग कह रहे थे कि मैम राखी की फेस्टिवल की वजह से हम लोग टाइम नहीं निकाल पा रहे। तो आप चाहें तो वो भी बुक करा सकते हैं या फिर मेरे अदर प्लान्स भी बुक करवा सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पर्सनल रीडिंग्स की डिटेल जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे, टेक केयर।